हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, नीट 2021 एग्ज़ाम लीक को लेकर के सीबीआई ने जो बड़े खुलासे किए थे, अभी जो है सीबीआई ने एनटीए को घेरे में ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ देख सकते हैं आप jagran.com की है। जेई एंड नीट स्कैम, जेई मैन व नीट को लेकर सीबीआई के बड़े खुलासे, कठघरे में एनटीए। साथ में दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है स्टूडेंट्स जो है केस भी कर चुके हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने जो है कल आपको वीडियो बना कर दी थी कि लॉयर जो है हायर कर लिया गया है और आगे क्या क्या होना है उसके बारे में अपडेट आपको बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ पूरी न्यूज़ क्या है। ये जमशेदपुर झांस, देश के दो सबसे बड़े प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा जेई मैन और नीट मेडिकल को लेकर सीबीआई ने कई बड़े खुलासे हाल के दिनों में की है। इसे लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कटघरे में आ चुकी है। अब यह सवाल उठने लगा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्या कोई कर्मचारी इस पूरे प्रकरण में शामिल है। अगली बार फिर से ऐसा नहीं हो, इसकी भी गारंटी नहीं है। एनटीए को इस तरह के कई सवालों का जवाब देना अब भी बाकी है। अब दोस्तों देखिएगा आगे, नीट पास कराने को लिए गए 50-50 लाख रुपए। सीबीआई ने दावा किया है कि नीट परीक्षा को पास करवाने के लिए नागपुर की एक कंपनी ने 50-50 लाख रुपए लिए थे। इससे पहले इंजीनियर की प्रवेश परीक्षा जेई मैन को लेकर सीबीआई की दबिश जमशेदपुर को लेकर हरियाणा तक हो चुकी है। मामले में 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नीट मेडिकल में भी गड़बड़ी के मामले सीबीआई ने 4 स्थानों पर छापे मारे तथा 6 छात्र सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। जेई मैन को सोल्वर जो था जमशेदपुर के रंजीत शर्मा का सीबीआई को अब भी तलाश है। तो दोस्तों ये न्यूज़ आई हुई है, तो साथ में जो है कल आपने देखा दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो कोर्ट केस हुआ था उसके बारे में भी लिखा गया है, लॉयर हैज़ बीन फिक्स्ड एंड वी हैव फॉरवर्डेड डॉक्यूमेंट। और बाद में लिखा है, लॉयर नेम विल नॉट बी रिव्यूल्ड ड्यू टू अवॉइडिंग ऑफ एनी पॉलिटिकल प्रेशर और एनी एंटी एजेंडा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, जो बच्चों ने मिलकर के जो है दोस्तों फंड कलेक्शन किया था और उसी के साथ जो है वो अभी कोर्ट में चले गए हैं दोस्तों। और इसकी अपडेट मैंने कल आपको दे दी थी, टुडे एंड टुमारो नो वीडियोज कॉल विल बी शेड्यूल्ड एंड मैनी पेटिशनर हैव सेंट डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट एंड नॉन साइनिंग ऑफ वकालतनामा दैट हैज़ टू बी क्योर्ड टू इन द मीनवाहिल। और दोस्तों आपको जो है उसे मैं जो लिंक दे दूँगा आपको टेलीग्राम का, जहाँ पर आप जुड़ के दोस्तों आप भी जानकारी ले सकते हैं इस केस से जुड़ी हुई, वहाँ पर आपको पल पल की अपडेट दी जाएगी। और फिलहाल जो है एनटीए को जवाब देने बाकी हैं दोस्तों, और रीनीट जो है उसके चांसेस अब लग रहे हैं कि होकर रहेगा वो, बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगर आप ड्रॉपर हैं दोस्तों तो अपनी तैयारी जो है ड्रॉपर के अकॉर्डिंग ही करते रहें। रीनीट का अभी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।